भाई साहब क्या प्राइस पड़ जाएगा इस कावड़ का? ये कावड़ जो है बोले 1200 रुपए की ली है। ये 1200 रुपए की कावड़ है। जी साल दुकान बहुत महंगी है इसलिए देखना पड़ता है। जी जी जी। और ये बोले कुछ सब दिक्कत सामना करना पड़ गया है। जी और ये छोटी कावड़ जो है इसका प्राइस? छोटी कावड़ 500 रुपए 600 रुपए तक की दे देते हैं। 500 रुपए 600 रुपए तक। जो सजावट का चार्ज लगता है वो अलग लगता है। सजावट का मतलब इसमें 600 रुपए की कावड़ पड़ेगी। 600 रुपए की कावड़ पड़ी है। और 300 रुपए 350 रुपए का सामान लग जाता है। जी। और जो चल्लर वगैरह लगवाते हैं ये मेन चीज रोशन का वो एक अलग बैठता है। जी। और ये जो बड़े डीजे के साथ कावड़ जाती है ये भी यहीं पे सजाई जाती है? जी जी सब कावड़ यहीं सजाई जाती है। जी। और अगर कोई अदर डेकोरेशन इसमें करवाना चाहिए लाइटिंग वगैरह की? हाँ वो सब हो जाती है, सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध मिलेगी आपको। तो उसके लिए मतलब कितना प्राइस होगा? लाइट के हिसाब से प्राइस बैठ जाता है। लाइट के हिसाब से प्राइस? ओके। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ से आप खरीद सकते हैं और सजवा भी सकते हैं। एक बार भैया अपना नाम बता दो। कुमार है। तो आपके जी तो ये पुष्पेंद्र कुमार बिजनौर से है। और अगर कोई आना चाहे भाई साहब तो कहाँ मिलोगे आप? यही हम मिलेंगे पंगदीप पार्किंग में। पंगदीप पार्किंग जी भीमकोड्डा पुल के बराबर में। पुल के बराबर में। तो आप यहाँ आ सकते हैं, मैंने आपको नाम बता दिया इनका पूछकर। और चलिए चलते हैं। और यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर मतलब कावड़ में डेकोरेशन की जाती है यहाँ पर सभी आप करवा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो चलिए आगे की ओर दिखाता हूँ। और नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर जहाँ पर कावड़ यहाँ पर सजाई जाती है और बनाई जाती है। तो आज आपको मैं यहाँ पर घुमाऊंगा क्योंकि जो भीमकोड्डा का यहाँ पर पुल है हरिद्वार के अंदर जहाँ पर ये शिव की बड़ी मूर्ति है, तो इसी के बराबर में भीमकोड्डा पुल है। और इसी के बराबर में आपने ग्राउंड देखा होगा बहुत बड़ा, तो उसमें जो है तो उसमें ये दुकानें लगाई गई है कावड़ को सजाने की और बनाने की। तो यहाँ पर जितनी दुकानें लगी हुई है एक एक करके दिखाऊंगा और उसके बाद इनसे पूछकर भी बताऊंगा कि क्या क्या प्राइस है। कावड़ नवी खरीदेगा कोई आदमी आकर तो उसका क्या प्राइस है, और अगर कोई पुरानी सजवाना चाहता हो तो उसका क्या प्राइस है, तो सभी बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आपको जैसा कि मैं दिखा रहा हूं तो यहां पर जो है कावड़ बहुत सारी यहां पर रखी हुई है और यहां से आप नवी भी खरीद सकते हैं, पुरानी भी यहां पर सजवा सकते हैं, जो भी होगा। चलो इन भाई साहब से बात करते हैं क्या क्या सिस्टम है कावड़ का। तो देख सकते हैं जी आप कितनी यहाँ पर कावड़ रखी हुई है और यहाँ से आप नवी भी खरीद सकते हैं। बाकी सजावट का भी कार्य होता होगा, यहाँ से इनसे पूछ के बताता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर सजावट का भी कार्य होता है कावड़ का? जी। तो अगर कोई नई खरीदना चाहे तो कितने रुपए की मिल जाएगी? 500 रुपए से स्टार्टिंग है जी। 20,000 रुपए की कावड़ जी। और सजवाने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं? 1000-1500 रुपए लग जाते हैं अच्छी कावड़। अच्छा अच्छा। लग जाते हैं 500 रुपए छोटी कावड़ में, 500 रुपए बड़ी सजवा को तो 1200 रुपए 1200 रुपए तक। और अगर मान लिया कोई इकट्ठी लेन लगे 3-4 कावड़ तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? डिस्काउंट मिलेगा। तो कितने परसेंट तक डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट है। तो पूरी मार्केट यहाँ से ये जितनी भी मार्केट में दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये कावड़ की है और इधर जैसा कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, तो इधर भी होगी दुकानें पीछे की साइड? अच्छा अच्छा। तो ये डीजे साउंड तो मेरे ख्याल से हरियाणा वगैरह के होगी इधर? तो हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं। जी जी जी। तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया, अगर आप यहाँ पर कावड़ यहाँ पर सजवाना चाहते हैं या आप नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने आपको प्राइस इनसे पूछ के बता दिया, बाकी डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर ये कावड़ नवी भी बनाते हैं और पुरानी जो आप सजवाना चाहे तो पुरानी भी आप सजवा सकते हैं यहाँ पर आकर। यहाँ पर कावड़ की दुकान लगी हुई है सारे में, आप जहाँ भी नजर उठाओगे। तो मैंने आपको प्राइस तो बता ही दिया जितने का भी यहाँ पर कावड़ का था, बाकी और आपको सिस्टम जितना भी होगा दिखाता जाऊंगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नवी कावड़ भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो है जैसा की हर की पौड़ी पे भी यहाँ पर कावड़ सजाई जाती है और हर की पौड़ी के पास में भी, और जैसा कि आपको मैं दोस्तों बता दूं यहाँ पर हर की पौड़ी के पास में भी कावड़ यहाँ पर सजाई जाती है और वहां पर नहीं तो मिलती नहीं, बाकी आपको अगर नहीं लेनी है तो ये मैंने आपको मार्केट बता दी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ एक से एक कावड़ है भाई साहब। तो जिधर को भी आप यहाँ पर नजर उठाओगे इस ग्राउंड में जैसा कि मैंने बता दिया, तो शिव मूर्ति जो बड़ी मूर्ति है उसकी बराबर में ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप आ जाना और यहाँ पर एक से एक कावड़ है, तो मैंने प्राइस तो आपको पूछ कर बता दिया। तो भाई साहब ये जो छोटी कावड़ है ये कितने रुपए की है? 600। ये 600 रुपए की है। और ये बड़ी वाली कावड़?
ये 5500 की। अगर कोई सजवाना चाहे कावड़ को जायज रेट में सजाते हो? जायज रेट में। और अगर 10-12 बंदे हो? 10-12 बंदे हो तो थोड़ा कम रेट करके डिस्काउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट कर देते? 70% कर देते। 70% डिस्काउंट। तो भाई साहब यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर 70% आपको डिस्काउंट मिलेगा कावड़ की सजावट के लिए, अगर आप इकट्ठे आते हैं 10-12 बंदे। और ये छोटी कावड़ जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका प्राइस है 600 रुपये। और इसका जो प्राइस है कितना बताया भैया? इसका 5500 रुपये प्राइस है। आप देख सकते हैं जी कावड़। और इधर को आप सारी कावड़ देख सकते हैं, सारा ही मैं ग्राउंड दिखा रहा हूँ क्योंकि सारा तो मैं दिखा नहीं सकता, बाकी बहुत दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। और चलिए चलता हूँ आगे की ओर, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कावड़ बहुत है, कावड़ की कोई दिक्कत ना लियो आने के बाद। आप देख सकते हैं जी चारों तरफ यहाँ पर, मतलब ये मार्केट कावड़ के लिए ही बनाई गई है। तो आप एक से एक कावड़ यहाँ पर ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। और जो बड़ी कावड़ होती है जैसे कि बड़े डीजे के साथ कावड़ जाती है, वे भी यहीं से जाती है, उनकी भी सजावट यहीं होती है और बाकी बनाई भी यहीं जाती है। आप बनवा भी सकते हैं, नवी ले भी सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पुरानी कावड़ है तो पुरानी कावड़ भी आप ले सकते हैं, और नई कावड़ अगर खरीदना चाहे तो वे भी खरीद सकते हैं। मतलब भाई साहब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर जहाँ को भी आप नजर उठाओगे यहाँ पर कावड़ ही कावड़ देखने के लिए मिलेगी, सजावट के लिए भी। और बाकी आप यहाँ से प्राइज वगैरह तो आप जो भी होगा इन पे तो वो तो कम बढ़ती हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर कितनी दुकान यहाँ पर लगी हुई है। और भीमगोट्टा पुल के बराबर में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप आ जाना, और 2-3 दुकान के भी मैंने आपको एड्रेस बता दिया, तो आप आ सकते हैं जी। और आपको मैं सारी दुकानें दिखा रहा हूँ। तो एक से एक कावड़ है यहाँ पर, जो बड़ी कावड़ होती है उनकी भी यहाँ पर सजावट की जाती है, बनाई भी जाती है। बड़ी कावड़ लेना चाहे तो आप देख सकते हैं जी, बड़ी कावड़ आप लेना चाहे बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी आप लेना चाहे अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगे वे आप ले सकते हैं। और ये मार्केट जो है स्पेशली कावड़ के लिए है। और बाकी इसके जो पाली साइड में है तो वहाँ पर जो है हरियाणा और दिल्ली वगैरह के दूर दूर के छोटे टाटा के डीजे खड़े हैं, तो वहाँ पर सॉन्ग बज रहे, तो इस वजह से मैं वहाँ वीडियो नहीं दिखा सकता। बाकी इधर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जितने भी ये मार्केट बनी हुई है तो यहाँ पर कावड़ ही कावड़ है। आप जैसा चाहे वैसे मर्जी जौन सी कावड़ आपकी मर्जी हो वे खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं जी यहाँ पर जो कलश वगैरह में यहाँ पर जल ले जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर तैयारी हो रही है, मतलब बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जी ये डोर में बांधे जा रहे हैं, और जैसे जैसे भी सिस्टम है वैसे वैसे जितने लीटर आपको जल ले जाना है उतने लीटर का ये कलश आपको बना के दे देंगे। और चलिए इनसे रेट की मालूम करते हैं क्या 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 प्राइस पड़ेगा इसका। तो आप देख सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक कलश है यहाँ पर। और यहाँ से जो कावड़ के डंडे बांधे जाते हैं वे भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भैया ये कलश का क्या प्राइस पड़ेगा? ये जो सबसे बड़ा कलश है इसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये 1250 रुपए का खाली बिल्कुल। और अगर इसको कंप्लीट बनवाया जाए तो कितना प्राइस पड़ जाएगा इसका? तो अगर कंप्लीट कराए तो डबल बैच ले जाएगा, ये हैवी स्टैंड लेगा जी, ये पड़ेगा 2150। तो हैवी स्टैंड के साथ 2150 रुपए का। और जैसे कि यहाँ पर 5 भी ले जाते हैं लोग, कोई 4 भी ले जाते हैं, तो उस अलग अलग प्राइस होगा उसके हिसाब से जी। और कोई कम बढ़ती करवाना चाहे तो कम बढ़ती हो सकता है। और जो ये डंडे वगैरह है तो ये तो साथ में ही आएगा ना फिर? डंडे साथ में भी अलग। अच्छा अलग भी आ जाते हैं, साथ में भी आ जाते हैं। ओके तो मैंने आपको बता दिया, ये आप कलश देख सकते हैं जी यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप इस मार्केट में आ जाना जहाँ पर कावड़, यहाँ पर कलश की भी कावड़ है, वैसी जो कावड़ है शादी में भी कावड़ है। आप देख सकते हैं जी कितने यहाँ पर कलश है, और प्राइस मैंने आपको बता दिया पूछकर। ये आपको मोड़ कर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जी चाहे जैसा मोड़ लो कितना ही इसको मोड़ लो ये टूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं जी, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, आपको मजबूती का डंडा भी मिलेगा और कलश आप देख सकते हैं एक से एक यहाँ पर बड़ा कलश रखा हुआ है। तो जितना जिसको जल ले जाना है उतना बड़ा कलश आप ले जा सकते हैं यहाँ से। प्राइस आपको मैंने पूछकर बताई दिए इनके। और इधर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ उसी दुकान के बराबर में यहाँ पर एक दुकान और लगी हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पर कलश है। तो कलश का प्राइस आपको इनसे भी पूछ कर बताता हूँ। तो भैया कलश का क्या क्या प्राइस पड़ेगा? कलश का अगर कोई कलश खरीदना चाहे, मतलब बिल्कुल गंगा जल ले जाने के लिए कंप्लीट कलश की कावड़ कितने रुपए तक की है? ये वाली कितना प्राइस है इसका? ये 800 रुपए की पड़ेगी। आप देख सकते हैं जी डबल कलश की
इसमें कितने लिए हैं? सिंगल वाले की लीटर पानी आता है। इसमें 6 लीटर पानी आ जाता है जी। और ये तीन वाली इसमें कितने लीटर जल आ जाएगा जी? डबल बेड लगा के 21 लीटर 21 लीटर जल आ जाएगा इसमें। और जो सबसे बड़े वाला कलश है ये कितने का पड़ जाएगा टोटल, मतलब इसका कंप्लीट? जी हाँ, डबल बेड, डबल बेंस में। और अगर कोई ट्रिपल बेंस में लेना चाहे 300 रुपए बढ़ जाएंगे। जो आपका डंडा है वह तो मजबूत वाला होगा ना ये? जी। कितना ही मॉडल हो मगर? टूटेगा नहीं? नहीं। तो भाई साहब आप यहाँ से कलश खरीद सकते हैं और डंडा भी खरीद सकते हैं। तो आपको मैंने प्राइस बता दिया कौन से कलश के कितने पड़ेगे। और ये सबसे बड़े वाला जो कलश है इसमें कितने लीटर जल आ जाता है? तो 10 लीटर जल है। और टोटल अगर इसकी बड़े वाले कलश की अगर हम कावड़ बनवाना चाहे तो कितने लीटर जल बैठेगा टोटल? 51 लीटर। तो 51 लीटर जल आएगा जी अगर सबसे बड़े कलश कि आप कावड़ बनवाना चाहते हैं। तो सबसे छोटे की भी बता दी मैंने आपको, 3 कलश वाली भी और सिंगल कलश वाली भी। तो चलिए चलता हूँ आगे की ओर। ये जो मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कलश वगैरह बहुत है, यहाँ पर है कलश की, बाकी ये मार्केट है और सजावट वगैरह की सबकी यहाँ पर दुकान है। आप देख सकते हैं जी, बड़ा कलश लेना चाहिए आप बड़ा ले सकते हैं, छोटा लेना चाहिए छोटा ले सकते हैं। जोन सा जितने लीटर आपको जल ले जाना है उतने लीटर का आप कलश खरीद सकते हैं। प्राइस मैंने आपको सभी के पूछ कर बता दिए, कावड़ के भी और कलश वाली कावड़ के भी प्राइस बता दिए यहाँ पर। और यहाँ पर कावड़ की सजावट की जा रही है। तो ये तिरंगे वाली कावड़ है आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी कावड़। और ये मेरे ख्याल से ऊन की बुनाई है इस पे। और ये तिरंगे वाली आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कावड़ में डमरू बनाए गए हैं। और चलिए चलता हूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर कावड़ आई हुई है मेले में आप देख सकते हैं, मतलब एक नंबर की मार्केट बना रखी है कावड़ के मामले में कि जितने भी आपको प्राइस की कावड़ चाहिए यहाँ पर सभी मिल जाएगी। बस आपका बजट होना चाहिए, आप सजवा भी सकते हैं बनवा भी सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वे कर सकते हैं। तो आप ये भी कावड़ देख सकते हैं जी। भैया ये कितने की पड़ेगी कावड़ है? तो ये जो तिरंगे वाली आप कावड़ देख रहे हैं ये पड़ेगी 2000 रुपए की, मैंने आपको प्राइस पूछ कर बता दिया। और फूल देख सकते हैं यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर रखे हुए हैं सजावट के लिए। तो ये जो मार्केट है स्पेशली कावड़ के लिए बनाई गई है। चलिए चलता हूँ दूसरी साइड में। तो इधर भी आप देख सकते हैं, भैया ये कहीं की बुनाई है इनके ऊपर? हाँ फैजल, फैदर, फैदर, फैदर। अच्छा फैदर, तो ये फैदर क्या होता है? ये तो नया नाम आज ही सुना। ऊन? अच्छा ऊन की क्वालिटी है कोई? तो ये फैदर ऊन है कोई, आप देख सकते हैं जी इसमें रंग बिरंगी ऊन है। तो इसमें सारे कलर की ऊन मिल जाएगी, नीले जितने भी मतलब कलर होते हैं आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर। तो इनके भैया प्राइस क्या होगे? 1700-1500। अच्छा अच्छा 1300-1300। ये तिरंगे वाली? अच्छा ये तिरंगे वाली 1800 की है। तो कम बढ़ दी तो हो जाएगा कुछ? ओके एक बार नाम बता दो अपना। हैं? पवन प्रजापति। पवन प्रजापति, अच्छा। तो जैसे ही आप भीमगोड्डा मार्केट में घुसोगे तो यहाँ पर जो है जो RCC की रोड है उस पर आप आ जाना। अगर आपको ये कावड़ चाहिए तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर कावड़ बना रखी है इन्होंने। तो आप खरीद सकते हैं, प्राइस का कोई मैटर नहीं है, पर आज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इनसे। तो आप देख सकते हैं जी कितनी सुंदर सुंदर और ऊन की यह कावड़ है। तो ये आप देख सकते हैं डमरू वाली कावड़ और तिरंगे का डिजाइन कर रखा है इन्होंने इसमें। हैं? तो पवन प्रजापति के नाम से दुकान है, अगर आप कावड़ खरीदना चाहते हैं तो आप इनके पास आ जाना, इनसे संपर्क कर लेना। तो चलिए चलता हूँ आगे की ओर। तो यहाँ पर भी वही डिजाइन की कावड़ रखी हुई है आप देख सकते हैं जी। और इधर आपको दिखा दो,
और इधर आपको दिखा दो तो यहाँ पर सजावट वगैरह के यहाँ पर कुछ दस्ते वगैरह रखे हुए है, और इधर फिर गंगा जल वगैरह की और प्रसाद वगैरह की यहाँ पर दुकान है। बाकी फिर आगे घाट है गंगा स्नान करने के लिए, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने यहाँ पर सुंदर सुंदर दुकान लगी हुई है, आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं आपका जो मर्जी हो। और चलिए आगे की ओर चलता हूँ, तो इधर से भी आपको दिखा दो तो यहाँ पर बहुत दुकानें हैं, आप माला वगैरह कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं जो कावड़ के लिए आपको चाहिए, जो चीज आपको यहाँ पर खरीदनी है वे आप खरीद सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर इसी चीज की मार्केट ये बनाई गई है, और आप मूर्तियां भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी यहाँ पर सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियां रखी हुई है। तो जो उनसे भी आपको भोलेनाथ की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, सबके यहाँ पर मूर्ति अवेलेबल है, आप ले सकते हैं कुछ भी। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर भोलेनाथ जी की भी मूर्ति है आपको अगर चाहिए तो। तो भैया इनका क्या प्राइस पड़ेगा ये जो मूर्ति है? ये हाँ, ये सारी ये वाली हाँ, इसका रेट 220। तो ये मूर्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ तो ये 220 की है। तो ये मूर्ति जो है अलग अलग प्राइस की है, आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पर आपको इधर भी दिखाना चाहूंगा, तो इधर भी यहाँ पर गणेश जी की और यहाँ पर श्री कृष्ण जी, राधा जी की सबकी मूर्ति है, और इधर जो है शिवलिंग वगैरह यहाँ पर है आप देख सकते हैं जी। तो ये है जी माँ गंगा मूर्ति भंडार। तो जो उनसे भी आपको मूर्ति खरीदनी है वे आप खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर है, भगवान भोलेनाथ की भी और जो मतलब हनुमान जी वगैरह की। ये जो मिले हैं मुझे ये अलवर राजस्थान के है, तो अलवर में किस जगह से हो आप? हैं भट्टी, अच्छा रामगढ़ के पास से। तो कावड़ लेने के लिए आया होगे? अच्छा तो जाओगे कब? कल सुबह जाएंगे। अच्छा कल सुबह जाएंगे, तो आप तो मेरे ख्याल से अपने वाहन से आए होगे या पैदल आए हो? उधर से तो सवारी से आए होगे, इधर इधर से पैदल जाओगे। ओके ओके ओके, तो अपना नाम बता दो एक बार। सोहन लाल। तो ये जो टीम मिली है मुझे राजस्थान की है, आप देख सकते हैं जी, राजस्थान अलवर से है, नौगावा। तो नौगावा के ये, चलिए चलते हैं। मेरा हर की पौड़ी का पुल आ चुका है, और उसके बाद मैं जाऊंगा अब जा डीजे वालों के पास में, जो कसाना वगैरह डीजे वहां पर लगा रखे हैं उन्होंने सेटअप, उनका इंटरव्यू करूंगा आज। अगर हो सके तो उन्होंने इंटरव्यू देने की कोशिश की तो हो जाएगा, वरना फिर 24 या 25 तारीख को इंटरव्यू उनका दिखाएंगे हम। और भीड़ आप देख सकते हैं जी कितनी जबरदस्त चल रही है। कल को फर्स्ट डे है सावन महीने का, और सोमवार का दिन है, वैसे भी भीड़ ज्यादा रहने वाली है, और भीड़ तो अब भी बराबर चल रही है, तो आप देख सकते हैं। और हर की पौड़ी पर बहुत जबरदस्त भीड़ है भाई साहब, नहाने के लिए तो आप बहुत हालत खराब है अगर आके वहां पर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये भीम गोड्डे का पुल है, और इधर ही यहाँ पर जैसा कि इस मार्केट में मैं घुमा कर लाया, ये जितने भी मार्केट थे यहाँ पर कावड़ वगैरह और जितने भी सजावट वगैरह के प्रसाद वगैरह के जो भी आपको सामान लेना है इधर मार्केट लगते हैं, इसके पीछे लगते हैं। कावड़ आपको नई खरीदनी है वे भी आप खरीद सकते हैं, सजावट करवानी है वे भी आप करवा सकते हैं इस मार्केट के पीछे जो मार्केट है। बाकी गंगा में जो जल है वे अभी थोड़ा कम आ रखा है, क्योंकि ऊपर मेरे ख्याल से बारिश हुई है इसलिए गंदा पानी भी आ रहा है, बाकी कम पानी आ रहा है आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल तक आने की उम्मीद है, जो पानी बढ़ गया आएगा इसमें। तो जहाँ पर कावड़ बनाई जा रही थी और खरीद भी सकते हैं, पुरानी भी आप सजवा सकते हैं, तो वे मार्केट मैंने आपको दिखा दी। और जो यहाँ पर प्रसाद वगैरह की और माला वगैरह की दुकान थी वे भी मैंने आपको दिखा दी। बाकी गंगा का भी मैंने आपको दिखा दिया, गंगा में अभी इतना जल नहीं आ रहा है, बाकी गंदा पानी बहुत आ रहा है इसमें। और चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।